हेलो फ्रेंड, मैं शुभम सक्सेना। आज आपको दिखाऊंगा कि जो रिले है उससे हमारा ECM किस तरीके से शॉर्ट होता है। और ये तीन साइज की मैंने रिले ली है, एक छोटी, ये बड़ी है, एक ये रिले है जिसकी कॉइल एक्टिव है अभी लेकिन रिले ख़राब है। इसमें बैक EMF, इसमें बैक EMF और इसमें बैक EMF, तीनों में दिखाऊंगा। और बैक EMF जो आप देखेंगे वो देख करके आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि बैटरी है 12 वोल्ट की, लेकिन वहाँ मैं वोल्टेज दिखाऊंगा आपको 350-400 तक, ठीक है। तो ये मैंने इस तरीके से सेटअप करता हूँ पहले छोटी रिले में। इसकी मैं जो है ग्राउंड से स्विचिंग करूँगा, जैसे कि ECM से होता है। और यहाँ पर आपको रिले की आवाज़ भी आ रही होगी ऑन ऑफ की। और ग्राउंड पे ही मैंने ऑसिलोस्कोप जोड़ा हुआ है, ये थिंक कार का ऑसिलोस्कोप है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये मैं स्विचिंग कर रहा हूँ छोटी वाली रिले में। अब यहाँ पर देखिए मैक्सिमम वोल्टेज दिखा रहा है 55, मिनिमम माइनस 20 तक जा रहा है, 19-20 तक, 27 तक चले गया माइनस में, मैक्सिमम 55, जितनी तेज़ तेज़ स्विचिंग कर रहा हूँ मैं। और अगर बहुत देर तक लगा के भी रखता हूँ मैं इसको, फिर हटाता हूँ तो भी आएगा, ये स्पाइक आ रही है वोल्टेज, ठीक है। अभी मैं जो बड़ी वाली रिले है उसमें करता हूँ कनेक्शन इसका। ये 86 पे पावर, और यहाँ पर 85 पर ग्राउंड। और अभी मैं करता हूँ इसकी स्विचिंग, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ ये बड़ी वाली रिले में स्विचिंग कर रहा हूँ मैं इसकी। 110 वोल्ट जा रही है मैक्सिमम, क्योंकि इसकी कॉइल जो है बड़ी है इसलिए 105 वोल्ट तक जा रही है ये। और अभी ये तीसरी रिले में दिखाता हूँ जो कि ख़राब है, लेकिन इसकी कॉइल एक्टिव है, यानी कि कॉइल इसकी ठीक है। इसका ये रहा 86, एटी फाइव पर दिया ग्राउंड, अभी इसकी स्विचिंग करता हूँ मैं, ठीक है। अब ये देखिए बैक EMF 300 वोल्ट, मिनिमम माइनस 300 तक जा रहा है ये, 295-300 तक। और इतना ज़्यादा वोल्ट जब वापस ECM में जाएगा आपके, तो ECM का क्या होगा, सीधे शॉर्ट हो जाएगा, IC उड़ जाएगी, माइक्रो प्रोसेसर उड़ जाएगा। और ये सब क्यों होता है, ख़राब क्वालिटी की रिले लगाने की वजह से। तो रिले अगर कभी भी लगाते हैं तो ब्रांडेड लगानी चाहिए। और अभी रिले टेस्टर से मैं तीनों रिले चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, जबकि रिले हमारी ओके है, काम कर रही है। अभी रिले टेस्टर से दिखाता हूँ, चेक करके रिले कौन सी सही है कौन सी खराब है। ये वाली रिले दिखाता हूँ मैं आपको इससे चेक करके। हाँ यार, टाइम पे काम कर रहा है।
ये देखिए, ये रिले लगा ली है मैंने, ये 5 पिन पे ले लिया, मैं टेस्ट कर रहा हूँ तो दिखा रहा है कि रिले ख़राब है, और ये ख़राब ही है। अभी ये 4 पिन वाली रिले चेक करके दिखाता हूँ। ये 4 पिन वाली रिले हमने लगा दी, ये 4 पे किया हमने, ये टेस्ट का बटन दबाया, ये दिखा रहा है ओके है हमारी। और जो ये वाली रिले है ये इसलिए चेक नहीं हो पाएगी क्योंकि ये साइज अलग है इसका, और ये इसमें नहीं आएगी, इसको हमको मैन्युअली चेक करना पड़ेगा बल्ब और 85-86 पे ग्राउंड और वो सब दे करके। ये देखिए, ये रहा ECM, ये है सिस्टम IC, ठीक है। तो जितने भी रिले पे ग्राउंड जाता है वो यहाँ से जाता है सिस्टम IC से, और ये सब प्रोटेक्शन लगे हुए हैं इसमें, रेजिस्टेंस हैं, PF है, जब रिले ख़राब हो जाएगी तो जो बैक EMF है वो ये प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, ये सब रेजिस्टेंस हो गया, PF हो गया, डायोड हो गए। लेकिन इतनी ज़्यादा जब स्पाइक आएगी और वो भी 20-25 बार अगर मिल गई इसको, तो ये अंदर से जो इसकी प्रोटेक्शन वॉल है वो ब्रेक हो जाएगी और वो जो वोल्टेज है वो सीधे IC में चला जाएगा, और जिससे IC शॉर्ट हो जाएगी, MCU उड़ जाएगा, और जो इंजेक्टर साइड है वो भी इसी तरीके से शॉर्ट होती है।